ये ग्लाइकोलाइसिस साइकिल 10 स्टेप साइकिल है, ठीक है, 10 स्टेप साइकिल है, 18 नहीं है, ये 10 स्टेप साइकिल है, जिससे क्या बनता है, पाइरूवेट या पाइरूविक एसिड बनता है, बीच में एटीपी एंड एनएडीपी इनका भी फॉर्मेशन एंड यूज होता रहता है। अब क्योंकि हमने बोला ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पाइरूवेट बन रहा है सेल्स में, तो पाइरूवेट जो बन रहा है वो पाइरूवेट क्या करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए को फॉर्म करवाता है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ इसी के जस्ट ऊपर कि यहाँ पे बना था पाइरूवेट ग्लाइकोलाइसिस से, लेकिन पाइरूवेट जो है वो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए को फॉर्म करवा रहा है, राइट। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए इस पाइरूवेट से फॉर्म हो रहा है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है हमारे सामने कि पाइरूवेट तो फॉर्म हो रहा है, बट पाइरूवेट के डिफरेंट फ्यूचर्स हो सकते हैं, ठीक है। पाइरूवेट से हमने बोला एसिटाइल कोएंजाइम ए तो बनता ही है, राइट, ऑलराइट। एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ साथ पाइरूवेट से लैक्टिक एसिड भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड का भी फॉर्मेशन हो सकता है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, सिलेबस मीन्स अभी नहीं है। अभी हम फोकस कर रहे हैं बेसिकली क्रैब्स साइकिल पर, तो क्रैब्स साइकिल को ही देखते हैं। पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। नाउ एसिटाइल कोएंजाइम ए रिमूव हो जाता है, ये देखो बाहर की तरफ रिमूव हो गया है, राइट। रिमूव होकर ऑक्सलेट एसिटेट इसके साथ मिलता है और बनाता है फर्स्ट कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज सिट्रेट और सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड किस एंजाइम की उपस्थिति में बन रहा है, दैट इज सिट्रेट बन रहा है, इसलिए सिट्रेट सिंथेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे वाटर का भी रोल रहता है, H2O का भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। अब सिट्रिक एसिड से क्या बन रहा है यहाँ पे, आइसोसिट्रेट या आइसोसिट्रिक एसिड। तो यहाँ ये सेकेंड कंपाउंड बन रहा है आइसोसिट्रेट, एंड आइसोसिट्रेट किस एंजाइम की प्रेजेंस में बन रहा है, एंजाइम है एकोनिटेज। तो इस तरह से सिट्रेट सिट्रेट से आइसोसिट्रेट एंजाइम इज कॉल्ड एज एकोनिटेज। नाउ आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, अल्फा कीटोग्लूटरेट। अब क्योंकि यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटरेट बन रहा है, तो अल्फा कीटोग्लूटरेट किससे बन रहा है, आइसोसिट्रेट से, लेकिन आइसोसिट्रेट में क्या भी हो रहा है यहाँ पे, एक प्रोसेस डीहाइड्रोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल। तो आइसोसिट्रेट से जब हाइड्रोजन इसके साथ रिमूव होगा, तो ये हाइड्रोजन किस पे अटैच हो जाएगा, एनएडी पर अटैच हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट एनएडी प्लस किस में चेंज हो जाएगा, एनएडीएच में चेंज हो जाएगा, तो एनएडीएच हो गया, और इसीलिए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम तो अल्फा कीटोग्लूटरेट को ये फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा अल्फा कीटोग्लूटरेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फॉर्म होता है। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले कोएंजाइम ए, ठीक है, कोएंजाइम ए इसमें आके जुड़ेगा, अगेन क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, तो अगेन डिहाइड्रोजिनेशन होगा, एंड एज अ रिजल्ट डिहाइड्रोजिनेशन के रिजल्ट में हम देखेंगे अल्फा कीटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट है। ये क्या कर रहा है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को बना रहा है, तो एज अ रिजल्ट एनएडी प्लस अगेन किस में बदल रहा है, एनएडीएच में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेज एंजाइम की। ये सिंथेज है तो ये क्या करेगा, सक्सिनेट को फॉर्म करेगा। कई बार हम इसे सक्सिनेट सिंथेज एंजाइम भी बोल सकते हैं। अगेन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि जीटीपी का यहाँ पर यूज़ हो रहा है, एटीपी से ही जीटीपी का यूज़ हो रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे जीटीपी का फॉर्मेशन
हो जाता है, ऑल राइट, जीटीपी फॉर्म हो जाएगा। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे देखेंगे, सक्सिनेट बना, तो सक्सिनेट सिंथेज भी बोल सकते हैं हम इस एंजाइम को, क्योंकि सिंथेज की बात कर रहे हैं, तो सक्सिनेट सिंथेज। नाउ क्योंकि कोएंजाइम ए रिमूव हो गया है तो कोएंजाइम ए हट जाएगा, यहाँ पे कोएंजाइम ए नहीं आएगा, बिकॉज जिसका सिंथेसिस हो रहा है हम उसी की यहाँ पर बात करेंगे। नाउ सक्सिनेट से सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम वर्क करेगा, अगेन क्या कर रहा है, डीहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन का रिमूवल, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा अब किसके पास जाएगा, एफ ए डी प्लस के पास, और एफ ए डी प्लस किस में बदल जाएगा, एफ ए डी एच टू में बदल जाएगा, फिर फ्यूमरेट बनेगा, फ्यूमरेट से फ्यूमरेज, अगेन यहाँ पे वाटर की एंट्री भी है, दिख रहे हैं यहाँ पे वाटर की एंट्री, फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में फ्यूमरेज टूट जाएगा, मैलेट बनेगा, ठीक है, मैलेट की प्रेजेंस में अगेन मैलेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट रहेगा, अगेन क्या करेगा, हाइड्रोजन का रिमूवल, और हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो NAD+ को देगा, NAD+ NADH में चेंज हो जाएगा, तो मैलेट ऑक्सैलो एसिटेट में बदल जाएगा, ऑक्सैलो एसिटेट को ऑक्सैलो एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, एंड OAA से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगेन ऑक्सैलो एसिटेट किस में बदल जाएगा, सिट्रेट। अब कई बार एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है, हमें ये कैलकुलेट करना है यहाँ पर कि कितने एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। फॉर एग्जाम्पल जब ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज टू पायरुवेट के प्रोडक्ट्स बनाता है, पायरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, तो ये तो हम एक पायरुवेट की बात कर रहे हैं, तो ये साइकिल कितनी बार चलती है, ऑलमोस्ट टू टाइम्स, बिकॉज टू पायरुवेट हमारे पास प्रेजेंट रहेंगे, तो एक बार अगर हम काउंट करेंगे तो उसको हम टू से मल्टीप्लाई भी करते जाएंगे। नाउ पायरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तो यहाँ पे भी एक एनएडी का एनएडीएच का फॉर्मेशन होता है, और एंजाइम क्या हो जाता है, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, तो एनएडीएच यहाँ पे भी बनता है, देख लेते हैं एक बार, चलो मैं बना ही देती हूँ, ये छोड़ो, यहाँ पे पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए एनएडी से एनएडीएच में चेंज, एनएडी प्लस से, और सॉरी, और यहाँ पे एंजाइम आ जाता है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है, एक CO2 का फॉर्मेशन, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम देखेंगे अब यहाँ पे, CO2 का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, एक तो वाटर की चीज़ देखते हैं, वाटर की चीज़ सिट्रेट और आइसोसिट्रेट के बीच में है, और फ्यूमरेट और मैलेट के बीच में है, तो ये आई थिंक याद रह जाएगा। दूसरी चीज़ CO2 की जब हम बात करते हैं, दूसरे पेन से देखते हैं, चलो याद हो जाए ताकि, देखो CO2, ठीक है, CO2 के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है या ट्रिक यूज की जाती है, दैट इज पी ओ के, ठीक है, एक पी कहाँ था, सिंपली अभी हमने देखा था पायरुवेट के पास में, नीचे पायरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा था, ठीक है, एक पी वहाँ पे, तो पी ये आ गया, एक ओ यहाँ पे बीच में, एक और प्रोडक्ट आता है कई बार, ओ भी बोल सकते हो, चलो यहाँ इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे पी आई के लिख लेते हैं, तो ज़्यादा ईजीली आपको याद हो जाएगा। आइसोसिट्रेट के जस्ट बाद एक CO2 रिलीज हो रहा है,
फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कार्बन रिमूव हो रहा है। और पी हो ही गया पायरुवेट के बाद, के के देखेंगे अल्फा कीटो ग्लूटरेट वाले स्टेप में भी देखेंगे CO2 रिमूव हो रहा है, कार्बन कम हो रहा है। तो हम तीन ही जगह पे देखते हैं जहाँ पे एक कार्बन का कम होता है। यहाँ देखो एक स्टेप ये रहा जहाँ पे CO2 है P, एंड बाकी स्टेप ये रहे पी आई के से हम याद कर सकते हैं कि CO2 कहाँ रिमूवल हो रहा है। अब दूसरा याद करने का तरीका है P I K M। देखो P की जगह पे देखेंगे, अभी नीचे देखा था NADH बन रहा था, यानी कि डिहाइड्रोजनेशन कहाँ कहाँ हो रहा है, एक P पे एक I पे, आइसोसिट्रेट के जस्ट बाद देखोगे, ठीक है, ये रहा, ठीक है, आइसोसिट्रेट के जस्ट बाद यहाँ पे एक I की जगह पे ये रहा I, K की जगह पे अल्फा कीटो ग्लूटरेट के जस्ट बाद यहाँ पे एक NADH, K की जगह पे M, M की जगह पे मैलेट, NADH का फॉर्मेशन, चार NADH यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। और एक क्या बन रहा है FADH2 और एक GTP, ठीक है, इस GTP का एक्चुअल में यूटिलाइजेशन होता है यहाँ पर। अब देखेंगे चार तो हो गए हमारे NA, दिख रहा है क्या इससे, आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, रेड ले लेते हैं, चलो फोर तो हो गए हमारे NADH, एक हो गया हमारा FADH, ठीक है, यस, GTP यूज आ रहा है, फोर NADH, एक NADH से कितने ATP बनते हैं बताइए, एक NADH से तीन ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है।